अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मासेक। दोस्तों आज की वीडियो हम कुछ 3 साल पीछे जाके 4 साल पीछे जाके बनाएंगे, या दोस्तों 2015 में ये वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हम एक ऐसी डिवाइस की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं जो कि मेरे हिसाब से 2015 की डिज़ाइन की डिवाइस है। तो आज की इस वीडियो में करते हैं अनबॉक्स नोकिया 2.2 को। 3GB 32GB वाला वेरियंट लॉन्च किया गया है, यहाँ 20,000 रुपये की प्राइस रखी गई है। बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की, अनबॉक्सिंग की, और बात करते हैं क्विक रिव्यू की कि क्या ये फ़ोन 2019 तकरीबन कंप्लीट होने वाला है, Q3 आ चुका है, हमें बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो इस वीडियो के एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की अनबॉक्सिंग। लेट्स जंप टू द अनबॉक्सिंग। ओके जी, नोकिया 2.2 का हमें ऐसा कुछ मिल जाता है बॉक्स। ऊपर की साइड पर यहाँ पर फ्रेम सेट किया गया है नोकिया का ड्यू ड्रॉप नॉच वाला 2.2 यहाँ दोस्तों, और यहाँ मेंशन किया गया है कि एंड्रॉयड की 2 साल की आपको अपडेट्स भी मिलेंगी, एडवांस की वारंटी है, और यहाँ कुछ पीटीए वाला सीन भी लगाया गया है, और कलर को मेंशन नहीं किया गया यहाँ पर कहीं भी। और अगर हम बात कर लें यहाँ पर रियर साइड पर, तो रियर साइड पर मेंशन किया गया है कुछ स्पेसिफिकेशन को, 5.71 HD+ का रेजोल्यूशन, 19:9 का रेशो मिलता है, दी गूगल असिस्टेंट बटन रिस्पॉन्ड में मिल जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता आपको, यहाँ फेस अनलॉक ऑप्शन मिलता है, 13 MP का आपको रियर कैमरा मिलता है, और यहाँ 5 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, और 3000 mAh की बैटरी मिलती है। लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगा कि यार 2019 का तीसरा क्वार्टर पूरे होने वाला है, और यहाँ इस रेंज के अंदर फ़ोन हमें कुछ 4000 mAh की बैटरी के पेयर वाले मिलते हैं। अब देखते ये हैं कि यहाँ पर नोकिया जो है 2.2 के साथ कितनी मार्केट को गेन करता है। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फ़ोन को कर लेते हैं अनबॉक्स। ओके जी, फ़ोन का जो बॉक्स ओपन करने के बाद हमें कुछ इस तरह का मिल जाता है, वारंटी कार्ड एडवांस टेलीकॉम की वारंटी में आता है नोकिया 2.2, और यहाँ मिल जाता है थैली में लिपटा हुआ नोकिया 2.2, और एक इंट्री लेवल का फ़ोन है तो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्रंट साइड पर एक प्रोटेक्टर प्री अप्लाइड पेपर बोलूँगा मैं मिलता है आपको, और यहाँ भी वही स्पेसिफिकेशन मेंशन है, और यहाँ मेंशन किया गया है कि एंड्रॉयड की अपडेट 3 साल तक आएंगी, और यहाँ मेंशन किया गया है 2 ईयर। अब ये नोकिया को समझ आती होगी कि क्यों लिखा है भाई, लेकिन यहाँ जो पेपर है उसके ऊपर आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है लिखा हुआ। पेपर को ऑफ़ कर लेते हैं, उसके बाद आपको मिल जाता है नोकिया 2.2, और इसकी एक ख़ास बात यह है कि 2019 तीसरा क्वार्टर रिमूवेबल बैक के साथ नोकिया 2.2। तो ऐसे आपको कुछ मिल जाती है 2012-13-15 वाली लुक, और ये है जी प्लास्टिक का बना हुआ बैक नोकिया 2.2 का, और यहाँ आपको कुछ इस तरह से बैटरी मिल जाती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो नोकिया और सैमसंग से इंस्पायर होकर डिज़ाइन बनाती हैं, और यहाँ नोकिया मुझे लगता है क्यू मोबाइल और कुछ लोकल ब्रांड्स इंस्पायर होकर रिमूवेबल बैटरी वाला कुछ फ़ोन दे रही है। और यहाँ आपको अंदर मिल जाता है ये प्लास्टिक वाला फ्रेम, सिम स्लॉट्स मिल जाती हैं, मेमोरी कार्ड स्लॉट मिल जाता है, और नट बॉल्स मिल जाते हैं आपको इस फोन में। मेड इन चाइना को मेंशन किया गया है, ग्लोबल वेरिएंट को मेंशन किया गया है, डिज़ाइन बाय HMD ग्लोबल को मेंशन किया गया है, और बैक को हम लगाते हैं बाद में। हम बात करते हैं बॉक्स के कंटेंट की, तो यहाँ आपको मिल जाता है जी इस तरह का कुछ बॉक्स के अंदर बैटरी का एनवेलप, और यहाँ बैटरी को बाहर निकाल लेते हैं। फ्रॉस्टेड पेपर में बैटरी है, फ़ोन थैली में है, अच्छी बात है जी, बड़ा कम्बिनेशन है नोकिया की तरफ से। और यहाँ आपको मिल जाती है 3000 mAh की बैटरी, बैटरी को हम डाल लेते हैं फ़ोन में, बैक को लगाते हैं फ़ोन के बैक पे, और फ़ोन को करते हैं ऑन। उसके बाद हमें मैनुअल बुक्स, जो कि आई थिंक सो को इतना टाइम वेस्ट नहीं करता होगा, और बात कर लेते हैं यहाँ पर बाकी एक्सेसरीज़ की, तो आपको टिपिकल नोकिया वाली हैंड्स फ्री मिलती है, लेकिन अच्छी बात है इस रेंज के अंदर बाकी फ़ोन्स में हमें हैंड्स फ्री भी देखने को नहीं मिल रही, तो हैंड्स फ्री मिलती है आपको। यहाँ माइक्रो USB की केबल मिल जाती है, नोकिया की ब्रांडिंग वाला चार्जर मिल जाता है, और चार्जर की रेटिंग की बात करें तो ये 1A 5W वाला चार्जर है, स्लो चार्जर होगा क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ फास्ट चार्ज की ऑप्शन नहीं मिलती इस फ़ोन में। तो ये हो गए बॉक्स के कॉन्टेंट, बाकी ऐसा सच कुछ बॉक्स में नहीं मिलता। तो यहाँ साइड पे करते हैं इसको और फ़ोन को ले आते हैं सामने। अब हम फ़ोन को करते हैं एक्टिवेट और बाद में बात करते हैं फ़ोन के इंटरनल्स की और ओवरव्यू की। ओके जी,
नोकिया 2.2 एक्टिवेट हो चुका है। या कुछ स्पेसिफिकेशन की अगर बात कर ली जाए इस फोन के, तो फ्रंट वाली साइड पर आपको 5.71 इंचेस 720p पिक्सल HD प्लस वाला रेजोल्यूशन मिल रहा है, और यहाँ आपको चिन भी काफ़ी बड़ी देखने को मिल रही है, और चिन में नोकिया की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है, और बेजल्स ऑनर 8A की तरह बहुत ही ज़्यादा कुछ प्रोमिनेंट है। और यहाँ आपको मिलता है डॉट नॉच डिस्प्ले, उसमें एक कैमरा मिलता है जो कि 5 मेगापिक्सल का है, और यहाँ मिल जाता है आपको एक स्पीकर ग्रिल। फोन का प्लास्टिक बैक है, रिमूवेबल है, नोकिया की ब्रांडिंग, एक कैमरा, एक लाइट, एंड्रॉयड 1 की आपको ब्रांडिंग मिल रही है, स्पीकर ग्रिल यहाँ रखी गई है, ऑन ऑफ की इसको यहाँ प्लेस किया गया है, गूगल असिस्टेंस वाली की मिल जाती है, माइक्रो USB की कनेक्टिविटी और एक माइक मिल जाता है। बाकी आपको ऊपर वाली साइड पर 3.5mm का जैक मिल जाता है इस फोन में। पायदारी के हिसाब से बोलूँ तो ठीक रहेगा, यहाँ स्क्रैचेस कम नजर आएंगी, लेकिन यार रिमूवेबल बैक और 3000mAh की बैटरी 2019 के तीसरे क्वार्टर में थोड़ी सी समझ से बाहर है। हम कुछ इंटरनल्स की बात कर लेते हैं इस फोन के। दोस्तों अगर इंटरनल्स की बात कर लें तो ये फोन अनबॉक्स होते ही एंड्रॉयड पाई पर मिलता है। 3GB वाला रैम का वेरिएंट है, रोम है 32GB की आपको मिलती। यहाँ अगर प्रोसेसर की बात कर ली जाए तो आपको मिलता है 2.0GHz कोर्टेक्स A53 पर चलने वाला प्रोसेसर, MediaTek 6761 Helio A22 12 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है। यहाँ पावर VR ROG 8320 वाला बोरिंग को GPU देखने को मिल जाता है। और अगर बात कर ली जाए इस फोन के कैमरास की, तो यहाँ फ्रंट साइड वाली नॉच में 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो कि आई थिंक सो गुजारा ही कर सकता है इस रेंज के अंदर। बहरहाल इस रेंज के अंदर जो लोग 3GB और 32GB मांगते हैं उनके लिए कुछ ठीक है। और यहाँ आपको जो कैमरा ऑप्शंस हैं वो फोटोज़ का मोड मिलता है, वीडियोज़ का मोड मिल जाता है, यहाँ पर स्केयर का मोड रखा गया है, बाकी आपको टाइम लैप मिल जाता है, स्लो मोशन यहाँ नहीं मिलता। वीवो Y91C एक ऐसा फ़ोन है इस रेंज के अंदर, यहाँ आप Realme C2 में भी कह सकते हैं कि आपको स्लो मोशन का ऑप्शन मिलता है। रियर कुछ 13 मेगापिक्सल का है, और रियर में भी आपको तकरीबन सेम ही ऑप्शन मिल जाती है। मैं एक पिक्चर कैप्चर कर लेता हूँ, रियर वाली साइड पर आपको कैसी रेजोल्यूशन मिलती है वो भी बता देता हूँ। अब यहाँ प्रोसेसिंग की हालत यह है इस प्रोसेसर की कि एक पिक्चर को खींचने के बाद भी लोड करने में यह टाइम ले जाता है, और आपको कुछ रेजोल्यूशन बस नॉर्मल सी मिल रही है, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी मैं कहूँगा कि पिक्चर क्वालिटी नहीं निकल कर आ रही। बाकी ओवरऑल इस रेंज का जो कस्टमर है वो 3GB और 32GB को मेंशन करता है, ज़्यादा मैटर करता है कि उसको 3GB रैम मिल जाता है, 32GB रोम मिल जाता है। बाकी ये प्रोसेसर ऑनलाइन गेमिंग वालों के लिए बिल्कुल भी प्रेफरेबल नहीं होगा। 3000mAh की बैटरी है, कोई फास्ट चार्ज नहीं मिलता, जायरो सेंसर सपोर्ट नहीं मिलता। बहरहाल इस फोन के अंदर आपको FM रेडियो वाला ऑप्शन मिल जाता है, और बाकी फेस अनलॉकिंग मिल जाती है। और अगर फेस अनलॉकिंग की स्पीड की बात कर लें तो फेस मैं ऐड कर चुका हूँ, और फेस अनलॉकिंग भी स्ट्रगल करता है, यहाँ आप नोटिस कर पाएँ तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाता है ये जो फ़ोन है फेस को रिकग्नाइज करने में। अब नोकिया क्या सोच रहा है मार्केट में, एक ज़माना था कि नोकिया एक ट्रेंडिंग लीडिंग ब्रांड होता था और बाकी कंपनीज इसको देखकर चलती थी, आज नोकिया किसी को देख के चल रहा है, और मुझे नहीं लगता कि नोकिया किसी भी ब्रांड से इंस्पायर हो रहा है। नोकिया को चाहिए कि ओप्पो को ही देख के थोड़ा सा इंस्पायर हो जाए, कुछ कैमरा के ऊपर काम कर ले, कुछ डिस्प्ले के ऊपर काम कर ले। बट 20,000 रुपये की रेंज में यहाँ पर बेजल्स बढ़े, कैमरा नॉर्मल मिल रहा है, कोई डुअल कैमरा सेटअप नहीं मिल रहा, इवन प्रोसेसर भी ऐसा कुछ मिल रहा है जो कि पहले दिन से ही स्लो होगा और आगे चल के पता नहीं क्या करेगा। बस इस फोन का एक ही अच्छा पॉइंट है कि इसमें आपको प्योर एंड्रॉयड स्टॉक एंड्रॉयड वाला ऑप्शन मिल रहा है, आपको अपडेट्स वगैरह इस फोन में मिलती रहेंगी। बाकी एज सच गेमिंग के लिए ये फोन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, आपको स्पेयर फोन चाहिए कॉलिंग के लिए, व्हाट्सएप के लिए, तो आप इस फोन को यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि नोकिया 2.2 आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि मुझे खुद पर्सनली इसका डिस्प्ले इतना बेहतर नहीं लगा। बाकी अगर आप बेहतर समझते हैं तो अपना सजेशन ज़रूर शेयर कीजिएगा नोकिया के लिए कमेंट सेक्शन में, ताकि नोकिया को भी पता लगे यार पाकिस्तानी लोग जो हैं वो यूट्यूब देखते हैं, और यूट्यूबर जो हैं वो अवेयरनेस रखते हैं और अपने जो व्यूअर्स हैं उनको प्रॉपर गाइड करते हैं। तो चलते हैं एंड की तरफ। ओके जी, ये थी अनबॉक्सिंग नोकिया 2.2 की। यार यहाँ इस प्रोसेसर के साथ 3GB 32GB उन लोगों को टारगेट किया गया है जिनको सिर्फ रैम और रोम से गर्ज होता है, कैमरा उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस ना वो गेम्स खेलते हैं, उनको चाहिए एक स्पेयर फोन कॉलिंग के लिए या व्हाट्सएप वगैरह डाटा यूजेज के लिए। अब मैं यहाँ ये कहूँगा नोकिया को यार डिज़ाइन पर थोड़ा सा काम कर लेना चाहिए था। अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले हमें ऑनर 8S भी ऑनर की तरफ से मिला, सेम बेजल्स, लेकिन वहाँ डिज़ाइन कम से कम अच्छा बनाया गया, बैक अच्छी बनाई गई। अब इस फोन के अंदर मुझे कोई भी ऐसा हाईलाइटिंग फीचर नहीं लगता कि मैं आपको रेफर कर सकूँ, आप बाय कर सकते हैं। बहरहाल ये फ़ोन उन लोगों को टारगेट किया गया है जो 3GB और 32GB का पेयर देखते हैं और बस उनको एक छोटा साइज़ का फ़ोन चाहिए, उन्होंने करनी है कॉलिंग, उनको बैटरी बैकअप भी 3000mAh अच्छा मिल जाता है। लेकिन अगर गेमर है और गेमिंग के लिए आपको यूज़ करना है और कैमरा कैटेगरी में देखना है तो ये फ़ोन कभी भी मैं आपको रेफ़र नहीं करूँगा। सो आज की वीडियो में इतना ही,
अगली वीडियो तक, अगली अनबॉक्सिंग तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ अली अब्बास मारसेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।